पंजाब फूड अथॉरिटी का बदामी बाग में जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर छापा। 130 किलो जाली शहद, 10 किलो ग्लूकोज सिरप, 10 किलो चीनी, दीगर माल तलब, जंग आलूदा बर्तन, खुले रंगों और केमिकल से जाली शहद तैयार किया जा रहा था। जाली शहद का मकरू धंधा करने वाले यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। शहरियों की लापरवाही से डेंगू केसेस में कमी न आई। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 74 मरीज सामने आए। सुबह भर से 153 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। गुजरांवाला 22, फैसलाबाद 18, मुल्तान 16, शेखुपुरा 7, रावलपिंडी में 4 अफराद बीमार हुए। नारोवाल, ओकाड़ा और बेहाड़ी से डेंगू के 2-2 नए मरीज सामने आए। कसूर, ओकाड़ा, सरगोधा, मुजफ्फरगढ़, सियालकोट और खानेवाल में डेंगू का 1-1 नया मरीज सामने आया। परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले को मुअत्तल करने का मामला। परवेज इलाही की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत ने वकला को मजीद तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। पंजाब पुलिस और ऑस्ट्रेलवी हुकूमत के दरमियान सिक्योरिटी उमूर में 2 तरफा तावुन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने दहशतगर्दी के खात्मे में पंजाब पुलिस की काविशों और कुर्बानियों को भी सराहा। और जिना हाउस हमला केस में 133 मुलजमान की जमानतों पर समाअत। एटीसी का केस का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। अगर रिकॉर्ड पेश ना किया गया तो कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। अदालत के रिमार्क्स। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद समाअत कर रहे हैं। मुलजमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है।